मिरर देखो कितना साफ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब बिल्कुल खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ ये लिपस्टिक्स और लिप ग्लॉस कह सकते हैं। ये हैं जी मेबेलिन के सुपर स्टे वाइनो इंक, ठीक है जी। ये है काइंड ऑफ लिप ग्लॉस टाइप, लेकिन अफेक्ट वही लिपस्टिक का आता है, ठीक है जी। इसके बेनिफिट्स में ये लोग कहते हैं कि नोए बच, ठीक है जी, अप टू 16 आवर्स वेयर, और जी इंस्टेंट शाइन, ठीक है जी, एंड कंफर्टेबल फील, ठीक है जी, और ट्रांसफर प्रूफ, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑफ कोर्स लगा के ये सब होता है कि नहीं, ठीक है जी। ये है मेरे पास यहाँ पे टिश्यू, इसके साथ मैं करूँगी ट्राई आउट के जी वो लोग जो बोल रहे हैं ट्रांसफर प्रूफ ऐसा है यहाँ के ना, और अप टू 16 आवर्स जो बोल रहे हैं वेयर है, तो लेट्स सी। वैसे इसमें से ये जो कलर है ना, कहाँ है जी, ये पीछे ये मैंने लगा के ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना प्यारा लगा है कलर, मैं बता नहीं सकती, ठीक है। बहुत नाइस कलर है, मेरी दोस्तों ने भी यूज़ किया है, कज़न्स ने भी यूज़ किया है, मैंने यानी उनको बोला है कि यूज़ करके देखो, दे लाइक इट अ लॉट एज़ वेल, सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। तो खैर मैंने टोटल कितने थे उनके पास, टोटल 10 शेड्स आते हैं इसमें, और मैंने 4 शेड्स उठाए हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कलर्स थोड़े रेडिश टोन पे जा रहे थे जो मुझे इतना पसंद नहीं है। तो खैर फिर भी मैंने एक रेड पिक कर लिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि थोड़ा रेड टोन अगर मैं लगाऊँ यू नो कैसा लगता है। बाकी मैंने थोड़े लाइट से कलर चूज़ किए हैं, जिसमें से ये कलर पीछे मैं लगा चुकी हूँ ऑलरेडी एंड आई लव्ड इट। सो मैं अब ये लगाती हूँ, ठीक है जी। आई विल गो अगेन फ्रॉम लाइट टू डार्क, या आज मैं करती हूँ लगाती हूँ डार्क, ठीक है जी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ रेड से, सही है, क्योंकि एंड पे जब अल्लाह हाफिज़ बोलना पड़ेगा ना, तो ये जो पीछे कलर माय फेवरेट, वो थोड़ा सा सूट करता है ना कपड़े के साथ। हाँ ऐसा ठीक है, वैसे ये भी सूट कर रहा है, ये भी कर रहा है। आई थिंक आई विल गो, हाँ मैं आई विल गो विद दिस पीची शेड ओप्स एट द एंड, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस रेड से, ये मैंने कभी खोला भी नहीं है ना कभी यूज़ किया है, सो लेट्स सी। कहाँ है कोई मिरर लेकर आई हूँ मैं, मिरर अभी जो मैंने लगाया वो है लिप ग्लॉस, उसको मैं छुटाती हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये है मेरे पास मिरर, मेरा आई मेकअप कैसा लग रहा है वैसे आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो, और नहीं लगा तो नथिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अच्छा इन्होंने लिखा है 5 सेकेंड एटलीस्ट शेक करना है बिफोर यू अप्लाई इट, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ऐसे आती है ना अच्छे से लिपस्टिक की खुशबू आ रही है मेरे नाक को, चलो अप्लाई करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बेस्ट तो ये हो ना कि ऑफ कोर्स आप पहले लिप लाइनर लगाएं, लिप्स को लाइन कर रहे हैं उसके बाद ये लगाएं, तो यू नो लिप का फॉर्म भी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आदत है कि मैं फ़ौरन ही ऐसे मुंह उठा के लगा लूँ, है ना। ओके जी, ये लग गया है, आई हैव टू लेट इट ट्राई एज़ वेल, लिखा हुआ है। और ये है जी कलर, कहाँ है इसका नाम है रॉयल नंबर 55, ठीक है। ये कलर मुझे ना रेड है ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वैसे अगर यूं मैंने लगा दिया है एक दो मिनट के लिए।
जैसे वो नहीं है बॉलीवुड मूवीज़ में आती हैं रेखा, हाँ जी रेखा, रेखा जी की जो लिपस्टिक वो लगाती है ना इसी रंग की होती है, कसमें ऐसे ही रेडिश और यही शाइन आ रही होती है, बिल्कुल वही रेड है ये, ठीक है। तो ये वैसे रेड बहुत से लोगों को अच्छा लग सकता है कलर, जिस रियली नाइस प्यारा सा कलर, एक जंगली रेड होता है ना वो नहीं है, बहुत ही नाइस, आई लाइक द कलर, बहुत अच्छा कलर है। अच्छा जी ये देख सकते हैं आप जी, ट्रांसफर प्रूफ तो डेफिनेटली रेड में तो नहीं, मैं भी दूसरे उसमें हूँ, तो इट इज़ देख ले सकते हैं आप, टिश्यू में आ चुका है तो खैर। और जो लिप की जो शाइन थी जो मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था, वो जो शाइन आ रही थी वो भी यानी मैट हो चुकी थी काइंड ऑफ। लेट्स सी अगर एक और दफ़ा करूँ, हाँ जी, तो अब यानी दो दफ़ा जब मैंने यूं पप 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 किया है तो लिप्स देख सकते हैं मैट हो चुका है, ठीक है जी। ऑल्दो एक आ रहा है कोई शेड यूनी शाइनी सा, टोटली मैट नहीं हुआ ऑफकोर्स, क्योंकि ऑफकोर्स इट इज़ लिप ग्लॉस, लिपस्टिक काइंड ऑफ बनाया है लोगों ने तो, और इट इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल ऑन लिप्स, चिप चिप ज़रूर हो रहा, थोड़ा छिपा करें हो नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो बाकी आई थिंक क्योंकि ये ऑफकोर्स डार्क शेड है तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा चलेगा, ये जो मैंने पीछे यूज़ किया था ये वाला, कहाँ ये पीछे ना, ये तो चीकी है, ये पीछे जो यूज़ किया था 16 आवर्स लॉन्ग वेयर नहीं था, यानी अराउंड द लिप्स फिर भी थोड़ा सा स्टे कर रहा था, लेकिन इनसाइड ऑफकोर्स हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो अंदर की तरफ वो छोट छोट जा रहा था, तो आई हैड टू टॉप अप लाइक एवरी 3 hours, 2 hours डिपेंडिंग कि मैं क्या खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ, कितना यूज़ कर रही हूँ, तो जी। अच्छा जी अब चलते हैं हम नेक्स्ट शेड पे, रेड कलर कुछ ऐसा कि उसको छुटाने में बहुत यू नो मुश्किल होती है, और कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाता है कि आपने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है, तो अभी मैंने ज़रा फाउंडेशन लगा दिया है अपने लिप्स में, थोड़ा सा नेचुरल शेड लाने के लिए, ओके ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी भी सेम अच्छी नाइस स्मेल है, ये है जी नंबर 20, द नेम्स कोई, और ये है इसका शेड। ये कलर वैसे मैंने पहले यूज़ नहीं किया था, लेकिन बहुत प्यारा कलर है, रियली नाइस शेड, पिंक पर्पल कुछ शेड आ रहा है इसमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है, यानी डे टाइम पे भी आप यूज़ करेंगे यू नो कहीं जाने के लिए, तो इट्स रियली नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कलर, आई लाइक इट। अब देखते हैं जी टिश्यू में लगता है कि नहीं, ये तो रेड वाला ट्राई किया था ना, अब इसमें करते हैं यहाँ पे, मैट ठीक है जी, और अब बच गया है जी मैट शेड काइंड ऑफ, थोड़ा सा स्लाइटली इसमें आ रहा है ग्लॉसी लुक, बट नॉट दैट मच बिकॉज ऑफ कोर्स सारा ग्लॉसी तो इस टिश्यू में छुट गया है, लेकिन एक जो शेड रह जाता है ना लिपस्टिक का वो यहाँ पर है, वही चीज़ मैं आपको बता रही थी, यानी जो पीछे मैं यूज़ कर चुकी ना जो आपको बता रही थी, इस वाले का यही था कि यानी साइडों से रहता था और अंदर वाला ख़त्म हो जाता था, या इस तरह था कि थोड़ा सा यू नो सी थ्रू कलर काइंड ऑफ होता ना नज़र आता है लिपस्टिक का वैसा, तो I like it। अच्छा जी अब नेक्स्ट टू शेड्स में मैं ऐसा करूँगी यू नो लगा के जो उन्होंने भी बोला कि लगा के थोड़ा सा उसको वेट करो एंड देन ट्राई समथिंग एल्स आउट, सो आई विल डू दैट।
ओके जी, अब आ गई हूँ मैं थर्ड शेड लेके, इसको हम लगाते हैं। ओ वाह 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 वाह, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। दिस इज चीकी नंबर 35। इतना प्यारा ये कलर लग रहा है ना कि मुझे बस रोना आ रहा है कसमें। बहुत ही नाइस कलर है और मैं इस वाले की दीवानी हो गई थी। सेकंड डे जो मैंने आपको बताया था ना पीची, हाँ पीची के बारे में, ये मैंने अभी यूज़ ही नहीं किया था। इतना प्यारा ये कलर है ना, बहुत ही नेचुरल सा न्यूड शेड है। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ना, ये ना कुछ एक दो मिनट ज़रा इसको अपने लिप्स में रहने देती हूँ टिश्यू यूज़ करने से पहले, एंड देन वी विल ट्राई आउट। वैसे भी मैंने इसको लगा के रखा ना, तो होंठों में जो एक नहीं होती चुन 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 सी, कुछ क्या बोलते हैं उसको, टेंटलिंग काइंड ऑफ थिंग, वो हो रहा है ज़रूर। जो बेसिकली ऑलमोस्ट सारे लिप ग्लॉसेस में होता है, या मे बी नॉट, लेकिन जब मैंने पता नहीं 12 साल पहले लिप ग्लॉस जब लगाती थी तो इस तरह फीलिंग आती थी, यू नो, चुंग 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 की यानी टिंटलिंग, जैसे सुन हो रहा होता है या कुछ फील होता है ना होंठ में, समझ तो आ गई होगी आप लोगों को, वो फीलिंग आ रही है ज़रूर इसमें। बाकी होंठ जो चिपक रहे हैं वो दूसरी बात है, लेकिन इट्स वेरी कम्फर्टेबल ऑन लिप्स। बस एक जो थोड़ा चिप चिप हो रहा है वो थोड़ा सा है, थोड़ा यू नो कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट। अच्छा जी, अब ये मैंने लिपस्टिक लगा ली ऑलमोस्ट 5 मिनट्स, ठीक है, अब देखते हैं जी कि ये छूटता है कि नहीं। और जी जो शाइनी इसमें एक शेड था वो भी इसमें जा चुका है, लेकिन अगेन उसका जो एक शेड रह जाता है कलर का वो है ऑन द लिप्स, सो इट्स इज रियली नेचुरल एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है कसमें। आई लाइक दिस शेड अ लॉट। अब आ गई हूँ मैं लास्ट शेड पे, and that is number 15 peachy, yes, ठीक है। और ये तो मैंने जैसे बताया कि मैं ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला। आई लव दिस शेड, कमाल का शेड। ये मुझे इतना अच्छा लगा कलर कि मैं बता नहीं सकती, आई थिंक मैं 10 बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आई जस्ट लव दिस कलर। अच्छा, ये कलर मैंने लगाया है ऑलरेडी, तो उसका एक्सपीरियंस मैं बता सकती हूँ आपको, जैसे मैंने बता चुकी हूँ अर्लियर एज़ वेल। ये मैंने लगाया है कुछ खाने पीने के बाद, यानी वो शेड जो शाइनी जो शेड आता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रह जाता है यानी साइडों में अंदर की तरफ, यानी कलर भी थोड़ा मिट जाता है और ये जो शेड है शाइनी का वो भी ख़त्म हो जाता है, तो यू हैव टू टॉप अप, ठीक है जी। और जो बोल रहे हैं कि 16 आवर वेयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या था जी, कंफर्टेबल ऑन योर लिप्स, ऑफ कोर्स यस इट इज़ कंफर्टेबल, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स चिप चिप यू नो थिंग थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, बाकी आई लाइक इट। और हाँ जी, जो टिंटलिंग भी काइंड ऑफ हो रही है ना लिप्स में थोड़ी थोड़ी, वो थोड़ी सी देर बाद लगा के ख़त्म हो जाती है फॉर श्योर, लेकिन स्टार्टिंग में होती है, वो भी थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फॉर द रेस्ट आई लव दिस लिपस्टिक। ये थी जी 11.99 pound, ठीक है, यानी 12 pound समझ लें, सो इट इज़ 12 pound ईच लिपस्टिक, एंड दैट्स इट। तो ये थी जी आज के लिप स्वॉचेस, आई होप आप लोगों को कलर्स अच्छे लगे होंगे, और मुझे प्लीज़ बताइएगा मुझ पे शेड आपको कौन सा अच्छा लगा। आई एम इन लव विद दिस सुपर स्टे फाइनो इंक
मेबेलिन के लिए लिपस्टिक्स, ठीक है जी। तो इसको मैं रखती हूँ साइड में। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप इफ़ यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। और हम इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।